अस्सलामुअलैकुम, अस्तग़फिरुल्लाह, बस यही अल्फाज काफ़ी है, हर गलती की माफ़ी है। खौफ खुदा का रखो, दुनिया का नहीं, दुनिया का खौफ दुनिया में रह जाना है और खुदा का खौफ जन्नत तक ले जाता है। ऐ बिनते आदम, कभी बिनते हव्वा की बेइज्जती न करना, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में बिनते हव्वा के लिए सूरह निसा नाजिल किया है। हया शर्म जेवर है इनका पर्दा, इनकी जीनत है, दुपट्टे के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती। वक्त वक्त की बात होती है, अगर बुरा वक्त है तो सब्र कीजिए, वक्त अच्छा है तो शुक्र कीजिए। उम्मीद ही नहीं, मेरा तो यकीन भी है कि मेरा अल्लाह एक दिन सब ठीक कर देगा। जब बहुत बेबस महसूस होने लगे तो इंसान को अल्लाह के करीब हो जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अल्लाह हमें मुश्किलों से निकाल सकता है और वही हमें मुश्किलों से लड़ने का हौसला देता है और वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ऐ खुदा, तूने जो सोचा उस पे मलाल नहीं, कबूल है तेरा हर एक फैसला, तेरे फैसले पर सवाल नहीं। लोग गुमराह हो जाते हैं, रब तो हर पल के साथ रहता है। गिरा लो जितना भी, मैं फिर उठ जाऊंगी, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, हार थोड़ी मान जाऊंगी। या अल्लाह, उन्हें भी खुश रखना जो हमें खुश नहीं देख सकते। राजी रहा करो हर पल खुदा की रजा में, तुमसे भी बहुत मजबूर इंसान है इस जहां में। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, कभी अमीरी कभी गरीबी और कभी इज्जत और कभी जिल्लत, मगर खुश नसीब सहादतमंद वो है जो हर वक्त और हर पल अल्लाह ताला के फैसले पर राजी और कायम रहे। या अल्लाह, मैं अंग्रेजों की तरह अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी, मैं तेरा शुक्र अदा करूंगी कि मुझे तूने इस दिन उम्मत मोहम्मद बनाकर इस दुनिया में भेजा।